तो दोस्तों आज हम जानेंगे किस तरह से हम फोन पे से किसी के नंबर पर किसी के अकाउंट में बैंक में किस तरह से मनी सेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बस कुछ ही मिनटों में। सो दोस्तों आप बने रहे मेरे इस वीडियो, हर कम से कम समय में आपको बहुत सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, धन्यवाद। सो दोस्तों आपको सीधे फोन पे ऐप में क्लिक करना है, प्रोसीड टू लॉग इन करना है, फिर जो आपका कोड है वह डालना है। दोस्तों लॉग इन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस बताता है ये। अगर आपको किसी को पैसे भेजना है दोस्तों तो आपको सिंपल सा टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए टू कॉन्टैक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे सीधे से मेरे पास जो नंबर्स है दोस्तों इसमें से आप किसी आपको जिस नंबर पर भेजना है उस नंबर पर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको नंबर डालना है। यहाँ पर नंबर डालने के बाद वो आ जाएगा। सो दोस्तों देन मैं भेजता हूँ पैसा, ठीक है इस नंबर पे। सो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सी अमाउंट ऐड कर देना है, देखिए कहाँ पर ये यहाँ पर आपको अमाउंट ऐड करना है। मैं 1 रुपीज ऐड करता हूँ। आपको भी मेरा सजेशन है कि दोस्तों आप जब जब भी किसी को पेमेंट करें, अगर आप नए हैं तो 1 रुपीज से ही शुरू करें, आपको पता ही चल जाएगा कि वो सही जा रहा है या नहीं। इसलिए पहले 1 रुपी का पेमेंट करें, फिर अपने जो ट्रांजेक्शन है वो बाद में पूरा करें जो भी मनी का होगा। सो दोस्तों यहाँ पर अमाउंट डालना है, जो भी डालना है आपको। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद ये सिंपल सा सेंड बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये हो रहा है। इसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका फोन पे का पासवर्ड आपने लगाया है वो क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है, आपका पेमेंट सिक्योरली और ऐसा मैसेज आता है पेमेंट ऑफ रुपीज 1।